सहयोग हे भगवान, क्यों बना दी तूने ये पढ़ाई। सचमुच कितना मजा आता अगर हर समय खेल ही खेल होता। उफ़, कितनी परेशानी होती है इस व्हीलचेयर को धकेलते हुए अजय के घर तक जाने में। मेरे तो हाथ दुख जाते हैं। हाँ, चलो आ गया अजय का घर। अरे दरवाज़ा तो बंद है, अभी खटखटाता हूँ। ओ पढ़ाई के दुश्मन, खेल के दोस्त, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारा दोस्त आया है। अरे अशोक, तुम कैसे हो अजय? बस तुम सुनाओ, और पढ़ाई वढ़ाई की आज? भाई मेरा तो तुम्हें पता ही है। दोस्तों, अभी आपने जो बातचीत सुनी वो काल्पनिक नहीं है, ये सच्ची कहानी कल्याणपुरी दिल्ली स्थित निगम विद्यालय के दो दोस्तों अजय व अशोक की है। अशोक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है और पढ़ने में बहुत होशियार है। अजय और अशोक साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। आइए सुनते हैं कि कैसे दोनों को आपसी सहयोग से सफलता और सम्मान मिलता है। अरे अशोक, आज स्कूल नहीं चलना क्या? अरे क्यों नहीं, मैं तो कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे सच, तुम तो तैयार हो? और जानते हो, अगर तुम 2 मिनट और देर कर देते तो मैं खुद चला जाता। अरे अरे, ऐसे कैसे चले जाते? अच्छा अजय, जरा वो मेरी व्हीलचेयर और बस्ता इधर लाना। हाँ अभी लाया। हाँ, बस इधर लो। हाँ, जरा संभल कर बैठना। हाँ, ध्यान से ध्यान से, एक मिनट एक मिनट। हाँ, चलो बैठ गया तो चले। हाँ अजय। हाँ, कल मास्टर जी ने जो काम दिया था उसे कर दिया? अच्छा तो ये तुम पूछ रहे हो, भला करवाया किसने था? ओ भाई, मैंने तो केवल तुम्हें समझाया था। अब अशोक जरा संभल कर उतरना। हाँ, ध्यान से ध्यान से, आराम से। नमस्ते नमस्ते। ये कैसा शोर मचा रखा है, क्या हुआ? मास्टर जी, अशोक व्हीलचेयर से गिर गया। नहीं मास्टर जी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है मास्टर जी। क्या, अशोक गिर गया? जी मास्टर जी। और तुम सब उसका मजाक उड़ा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कभी भी किसी को भी गिरता हुआ देखकर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जी मास्टर जी। देखो बच्चों, अशोक एक होशियार लड़का है। जी मास्टर जी। कक्षा में प्रथम आता है। तुम्हें अशोक से सीख लेनी चाहिए। जी मास्टर जी। चलो सब बच्चे माफी मांगो अशोक से। चलो शाबाश। हाँ बच्चों, अशोक हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। शाबाश बच्चों, अब अपनी अपनी किताबें निकाल लो। हाँ जी मास्टर जी। तो आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि
लो अशोक, आ गया तुम्हारा घर, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या बात है अशोक, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा बच्चू, अब मुझसे भी छिपाओगे? हाँ वो, और आज तो तुमने मुझे पढ़ने के लिए भी आने को नहीं कहा। देखो अशोक, सच सच बताओ, क्या बात है? वो अजय, तुम्हें तो पता है सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अशोक, मेरे कानों में वो हंसी गूंजती है, मेरे पैर ठीक नहीं है तो मैं नहीं चल सकता, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम ही बताओ मैं क्या करूं अजय। अरे कमाल करते हो तुम भी अशोक, तुम जो कर रहे हो उस पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। हर साल कक्षा में प्रथम स्थान पर तुम ही आते हो, है ना? देखो अशोक, मन छोटा नहीं करते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अजय तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, और तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, मेरी इतनी तारीफ करते हो कि तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शक्ति मिलती है। अच्छा अच्छा बस। अजय मैं पढ़ूंगा, मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा, कोई हंसता है तो हंसे, परवाह नहीं। ये हुई ना बात। अच्छा तो अब हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, आना जरूर। हाँ, आना ठीक है, चलता हूँ। आज तो हमारा परीक्षा फल निकल रहा है। पता नहीं मेरा क्या होगा। भाई मुझे तो पता है, पता है। आराम से पास हो जाऊंगी। हाँ मेरे को लग रहा है कोई पास हो या ना हो, मगर हमारी कक्षा में प्रथम तो अशोक ही आएगा। ये तो और अब देखना है दूसरे स्थान पर कौन आता है। दूसरे पर सुनीता आएगी शायद। नहीं नहीं आएगा, सुरेश होगा। नहीं अमित, नहीं सुनीता होगी, अनीता। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, देखो मास्टर जी आ गए। अरे मास्टर जी आ रहे। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बच्चों, नमस्ते। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें परीक्षा फल सुनाता हूँ। जी मास्टर जी, परीक्षा फल सुना। हर साल की तरह इस साल भी प्रथम स्थान पर आया है अशोक। हाँ बच्चों, हाँ, इस साल भी अशोक पहले स्थान पर आया है। मुबारक हो अशोक। मुबारक हो अशोक। अच्छा भाई बच्चों, दूसरे स्थान पर आया है अजय। अजय? अरे बाजे, तुमने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। अरे ये तो कमाल हो गया, अजय दूसरे स्थान पर। अजय तो हर साल पांचवे छठे स्थान पर आता है। आजकल अजय अशोक के साथ रहता है ना, तो स्कूल के बाद भी वो दोनों घर जाकर पढ़ाई करते हैं। अच्छा। हाँ स्कूल का काम भी अशोक ही समझा कर करवाता है। अजय की पढ़ने में सहायता भी करता है। अच्छा तो ये बात है। अब हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और एक दूसरे से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। ये हुई ना बात। सुना आपने किस प्रकार अजय और अशोक ने आपसी सहयोग से सफलता प्राप्त की? हाँ दोस्तों, आपसी सहयोग से कोई भी काम आसान हो जाता है, फिर दूसरों को तो इससे प्रेरणा मिलती ही है ना? सहयोग,